अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। आज नाश्ते में हम लोगों ने खाई थी ब्राउन ब्रेड और साथ में अंडा और चाय और जो टोस्ट है उसके ऊपर थोड़ी सी जैम और मार्जरीन। सो यहाँ पे ये कि एक डेढ़ घंटा ही अभी गुजरा है तो काफ़ी लंबी लिस्ट है कामों की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेश जूस और एप्पल और सेलरी का और थोड़ा सा इसमें जिंजर और लेमन जूस जो है वो मैं ऐड करूँगी। एक वीडियो में प्रीवियस में मैंने बताया था कि ये जूसर मुझे काम डू कंपनी की तरफ से रिसीव हुआ और जब से ये आया है तो बहुत आसानी हो गई है। इससे पहले जो मेरे पास जूसर था, मैंने वॉलमार्ट से बाय किया था, वो अच्छा था लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसकी सफाई बहुत मुश्किल थी। अब चूँकि उसकी क्लीनिंग करना काफ़ी मुश्किल था, टाइम कंज्यूमिंग था, इस वजह से फिर जूस बनाने का भी जो एक पैशन था वो मेरा कम हो गया। सो वह ऐसे ही पैक करके गैराज में रख दिया। लेकिन जब से ये आया है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल एक से दो मिनट में ही बहुत आसानी से सफाई हो जाती है और ये कि जूस भी जो है वो 70-80% ज़्यादा आपको हासिल होता है। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। ये तो मस्ट है किचन में। जूस रेडी है। तो जूस और चाय, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि मैं सोफ़े पर बैठ के आराम से छोटे छोटे सिप लेके ही पीती हूँ। अच्छा, ये जो अब क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये बेसमेंट में थी मैं, ये लास्ट वीक मैंने बनाया था जब पेंट स्टार्ट हुआ था। अब ये कि पेंट कंप्लीट हो चुका है और वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब ये मैं आ गई हूँ बेसमेंट की साइड पर। तो ये बेसमेंट एंट्रेंस का डोर था जो कि सेपरेट है और ये बाहर जो है वो सब जो भी सब पुराना सामान रखा हुआ है सो ये सब अब गार्बेज में जाएगा। और मैं आ चुकी हूँ नीचे यानी कि बेसमेंट में। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। पहले तो यहाँ सब फैला हुआ था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने दिखाया था बेसमेंट रेनोवेशन, सो पेंट यहाँ पे पूरा वाइट जो है फ्रेश पेंट हो चुका है और छत जो थी वो पॉपकॉर्न थी तो हम लोगों ने वो भी बिल्कुल प्लेन करवा दी है। सो ये एक कमरा, मैंने बताया था आप लोगों को कि हर रूम में जो है वो सेपरेट बेड जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए थे। तो बस ये सब अभी रैंडम इधर उधर चीज़ें सब रखी हुई हैं, ये छोटा फ्रिज और अभी मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सी जो कि चल रही हैं। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट इंशाल्लाह होने वाला है बहुत जल्द। अब मैं जा रही हूँ वापस ऊपर मेन फ्लोर पर। तो ये कि हम लोगों को निकलना एक ज़रूरी काम है। हस्बैंड रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं। वैसे तो मेरा लैपटॉप बिल्कुल ब्रांड न्यू है लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो एक ऑप्शन आया अपग्रेड करने का, तो मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। बस वो क्या किया कि अब वो चल नहीं रहा, मतलब एडिट नहीं हो रही वीडियो, स्क्रीन एकदम स्टक हो रही है। तो वो ज़रा दिखाना था। सो हालांकि मैंने ड्राइवर्स भी अपडेट किए, दो चार सेटिंग्स भी चेक की, सो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो नहीं चल रहा। तो हम लोग जा रहे हैं कंप्यूटर की शॉप पे।
कंप्यूटर की दुकान में हम गए तो बात नहीं बनी. ही सेड के ये मेरा काम नहीं है, आप जो है वो जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है आप ऑनलाइन हेल्प लीजिए. सो अब ये कि मैं फिर ख़ुद से ही जो है वो ऑनलाइन जो सपोर्ट है वहाँ कॉल करके फिर मैं इस मसले को हल करवा लूँगी. खैर हम लोग फिर वहाँ से डायरेक्ट आ गए. टिम होर्टन्स बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम लोग को डोनट्स खाने हैं. काफ़ी अरसा हुआ डोनट्स नहीं खाए और घर पे भी जो है वो बनाने का टाइम नहीं है. सो हम लोग यहाँ आ गए हैं और शाम का वक्त है तो मुझे भी क्रेविंग होने लगी काफ़ी अरसे के बाद. तो मैंने कहा चलो फिर चाय हो जाए और साथ में डोनट. तो बस यहाँ से हमने डोनट्स बाय किए और मैंने मेरी चाय. मैं खोलू? What? Show me donut. Show me. चाय मैंने पी ली थी और साथ में डोनट. तो बस अब पेट जो है वो काफ़ी भर चुका है और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है रात के खाने की प्रिपरेशन. लेकिन सबसे पहले आज चूल्हे की हालत देख के दिल ही नहीं कर रहा था कि इस पे कुछ पकाया जाए. सो बस टाइम नहीं मिल रहा था. वैसे मैं इतना इसको गंदा होने नहीं देती बट इस बार बस हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल तो टाइम नहीं मिल रहा था. सो सबसे पहले मैं इसको टिशू से ही पूरा साफ़ कर लेती हूँ, फिर इजी ऑफ इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ और 5-10 मिनट बस छोड़ के फिर जो बर्तन धोने का जो स्पंज है उस पर हल्का सा सोप लगा के बस फिर मैं इसको पूरा क्लीन करती हूँ और फिर जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है उससे फिर इसकी पूरी अच्छी सी सफाई जो है वो मैं कर लेती हूँ. अच्छा ये आदत मेरी अम्मी पर है. ऐसे भी लोग होते हैं कि वो किचन में कितना भी मैस हो दे जस्ट गो और कुक किया और उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर किचन बहुत गंदा हो, चीज़ें बिखरी हुई हो ना, तो मुझसे मैं फोकस नहीं कर पाती. तो इसलिए मेरी अम्मी भी ऐसी हैं, पहले किचन साफ़ और फिर जो है वो कुकिंग वो स्टार्ट करती हैं. अच्छा मैं आज डिनर में बनाने जा रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन. इट्स वेरी क्विक यमी और साथ साथ में ही मैं आपको बताती चले जाऊँगी. तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया होल ब्लैक पेपर, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं कर रही हूँ ब्लेंड. तो ये कुछ प्रिपरेशंस हैं जो कि खाना बनाने से पहले आपने कर लेनी है. प्याज एक बड़े साइज़ की, लाइक मीडियम से थोड़ी बड़ी, वो आपने बारीक काट के वो भी रख लेनी है. और चिकन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 750 ग्राम. सो बहुत आसान रेसिपी है तो साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊँगी. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. स्टोव
स्टोव जैसा कि मैंने आपको बताया था स्प्रे किया और सोप से जो है फिर मैंने डिश सोप उससे बस फिर मैंने स्पंज से इसको रब किया और अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। कुछ चीज़ें आप लोग देख लीजिए, दही आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, टोमेटो प्यूरी इज़ रेडी, प्याज कटे हुए, साबित गरम मसाले में 1 टीस्पून ज़ीरा, 4-5 हरी इलायची, 4-5 लौंग, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टुकड़ा दालचीनी का। और ये मीट भी जो है मैंने वॉश करके रेडी रखा हुआ है, तो अब इसकी स्टार्ट करने जा रही हूँ कुकिंग। यहाँ पे सबसे पहले मैंने गरम किया ऑयल और उसमें ये साबित गरम मसाला डाला है। इसको थोड़ा सा मैं कुक करते ही फिर शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज को आपने कुक करना है हाई फ्लेम पे इतना कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मीनवाइल मैं जितने भी स्पाइसेस हैं वो मैंने निकाल लिए हैं एक प्याली पर आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जब तक प्याज ब्राउन हो रही है साथ में ही मैंने ये हरी मिर्चें जो है वो वॉश करके ड्राई कर ली थी और अब मैं इनको इस तरह से स्टोर करती हूँ, नीचे भी टिश्यू ऊपर भी टिश्यू, तो ये काफ़ी ज़्यादा देर तक फिर अच्छी फ्रेश रहती हैं। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुकी है तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मीट और साथ में ही जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट अराउंड 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भर के, और साथ में ही फिर मैं जो मसाले हैं वो भी ऐड कर दूँगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दही, ये ऐड करके बस मैं इसको थोड़ा सा ही 1-2 मिनट पकाऊंगी, फिर टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी और बस फिर मैं इसको ढक के 7-8 मिनट मीडियम हाई हीट पर पकाऊंगी ताकि चिकन जो है वो गल जाए। यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको पकाया ढक के, सो बस अब बाकी की जो पूरी कुकिंग है वो मैं बगैर ढके ही इसकी हो जाएगी और ये झटपट तैयार हो जाएगा। ये सालन बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में अभी एक रायता भी मैं आपको बताऊंगी, वेरी सिंपल लेकिन वो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। बस अब यहाँ पर मैंने फ्लेम की हुई है हाई पर ताकि जो थोड़ा पानी है टमाटर का वो सूख जाए, तो बस फिर इसमें जाएगी फ्रेश पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। ये देखिए मैंने पीस के रेडी कर लिया है, सो ये तकरीबन 2 टीस्पून अराउंड 1.5 टीस्पून, 2 ज़्यादा हो जाएगा। 1 हरी मिर्ची जिसको कि मैंने पतला पतला कट कर लिया, सीड्स निकाल दिए वरना मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और बस फिर हरा धनिया। Thank you.
बस ब्लैक पेपर चिकन इज़ रेडी। लास्ट में आपने शामिल करनी है काली मिर्चें, हरी मिर्ची, हरा धनिया, जस्ट मिक्स इट, थोड़ा सा दम देना है तो दम दें, और ये सालन हो गया तैयार। रायता मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, आपने लेना है दही, उसमें उसको आप पतला आपने करना है, थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ा सा नमक डालें, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और एक बहुत छोटी सी लहसुन लेके उसको कूट के आपने उसमें मिला देना है। सो बस अब हम लोग डिनर जो है वो करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। So if you've been on my social media for a while, you know that I had like severe hair loss problems in the past like 2 months ago. My hair was falling out a lot. I had so much dandruff and I literally could not figure out what to do. And then one day I was on Instagram and I was on my For You page, and then this random like page came up. It's a lady who sells oils, and I was like, I hope this like this is a scam, or like I hope I don't get ripped off. And so I ended up ordering the oil from her. She's based in Canada, and I've been using it for a month now, and I wouldn't review a product that isn't like good. I ended up buying it. I don't use it as often as she said to use it. She said to use it 2 times a week, and I don't, like, sometimes get really lazy, but I've seen such a huge difference, you guys. Like, my hair would fall out so much. Like, when I tell you my hair was falling out a lot, like, I mean like in chunks, and it's gotten so much better. Like, the dandruff has gotten better, so Hi everyone, I hope you all are doing good. So आज मेरा यहाँ पे इंस्टा स्टोरी बनाने का मकसद ये है कि I wanted to talk to you guys about a hair oil that I've been using and loving. So it's called Huma in the Kitchen Magical Hair Oil, and it's all organic. So as you guys know कि I had a second baby just like 2 months back, and you guys know कि yeah. So after the delivery, there is usually after like 2-3 months ke baad, there is excessive hair loss. So you know, I was just wondering and thinking, you know, ki mujhe aisa kya apni routine mein karna chahiye, what should I do, or what hair product should I use to decrease the hair loss. So I came across this hair oil. It's by Huma, and I'll post the link below, and I even tag her and everything. So I came across this hair oil, and I have read so many good reviews about it, and even you guys can even go to her profile and see the photos and see the before and after results, and you guys will be amazed how good her hair oil is. And even now, like just after using this twice, I feel such a big difference in my hair texture. Like, my hair feels so soft. So yeah, I'm really really excited to use this, you know, permanently and she ships
हर हेयर ऑयल वर्ल्ड वाइड, यू नो ऑल ओवर, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूके, यूएस, एनीवेयर, यू नो, यू नेम.